प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग 8वीं कक्षा की गणित के अभ्यास 1.4 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो इस प्रश्नावली का पहला सवाल देखते हैं। बच्चों, इस प्रश्नावली में सवाल बेहद ही आसान है और यह परिमेय संख्याओं का गुणा है इस पूरे अभ्यास में। तो गुणा बिल्कुल सरल है और आप लोग इस सवाल को पहले से ही हल करना जानते हैं, तो बड़ा आसान सा सवाल है इसमें। फिलहाल आप देखिए पहले प्रश्न के फर्स्ट पार्ट को। इसमें दिया है 3/11 को 2/5 से गुणा करिए। गुणा का प्रश्न है, 3/11 को 2/5 से गुणा करिए। तो गुणा के लिए हम जानते हैं इस नियम को कि अंश का अंश में गुणा होता है और हर का हर में। अंश का अंश में गुणा करना है और हर का हर में। तो देखिए, जब हम हल करेंगे तो इसे इस प्रकार लिख लेते हैं, 3/11 गुणते 2/5। जो को चिन्ह था बीच में, इसको हमने गुणे का चिन्ह बना लिया। तो देखिए स्पष्ट हो गया, 3/11 गुणे 2/5। अब इसे आप क्या करेंगे, 3 × 2 / 11 × 5 इस प्रकार कर लें, माने अंश का अंश में गुणा हो जाएगा और हर का हर में। अब देखिए बिल्कुल उत्तर आ गया है आपका, 3 × 2 = 6 / 11 = 55, 6/55। तो बेहद ही आसान सवाल हैं गुणा के। तो 2-3 प्रश्न इसके हम हल कर दे रहे हैं, बाकी आप अपने से कर लेंगे। तो देखिए सेकंड पार्ट में दिया है, 3/7 को -2/5 से। अब इसमें भी देखिए, जब इसको हम हल करेंगे तो पहले को हटा देंगे, यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगा देंगे, तो 3/7 × -2/5 इस प्रकार हमने इसे लिख लिया। अब अंश का अंश में गुणा होना है हर का हर में, तो ऐसे आप लिख लीजिए, 3 × -2 / 7 × 5। अब देखिए इस बार आपका उत्तर आ जाएगा, 3 का -2 में गुणा करेंगे, -6 / 7 = 35। तो -6/35 इस प्रकार इसका उत्तर आ जाएगा। तो ये प्रश्न बिल्कुल आसान है। तीसरा पार्ट इसमें इसका आप देख लीजिए, इसमें दिया है 9/8 को 32/3 से जब इसे हल करेंगे, तो इसमें भी वही आपको करना है, 9/8 × 32/3 इस प्रकार लिख लेंगे। अब अंश का अंश में गुणा कर देना है और हर का हर में, तो 9 × 32 / 8 × 3 इस प्रकार लिख लिया। अब देखिए इसमें 3 से 9 ये कट रहा है, तो आप इसको काट लीजिए, सरल कर लीजिए, तो 3 × 9 ये हो गया, और 32 भी कट रहा है, 8 × 4 = 32। अब देखिए नीचे कुछ भी नहीं बचा है, आप ऊपर बचा है 3 × 4, तो 3 × 4 = 12, यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको 12 उत्तर मिल जाएगा। फोर्थ पार्ट इसका देख लीजिए, इसमें दिया है 25/-9 / 3/-10 से। देखिए इस प्रकार है, तो जब इसे हल करेंगे तो इसमें भी वही करना है, कुछ अलग नहीं है। यहाँ लिख लेंगे 25/-9 / 3/-10। अब देखिए माइनस जो हर में लगा है, इसे आप अंश में कर लीजिए, क्योंकि हर में माइनस नहीं होना चाहिए। तो -25/-3/9/10, दोनों माइनस हमने ऊपर कर लिए,
जो माइनस 9 था माइनस 25 हमने कर दिया, जो माइनस 10 था माइनस 3 हो गया। अब देखिए अंश का अंश में जब गुणा होगा तो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 25 तियाँ 75 और 10 नवाई 90। अभी देखिए सरल होगा थोड़ा सा, 5 से कट जाएगा तो इसे सरल कर लेते हैं। 5 एकम 5 और 5 25 और 5 एकम 5 58 40। अभी देखिए और ये सरल हो जाएगा, 3 पचे 15 और 3 छंग 18 बराबर आपका उत्तर आ गया 5/6। इस प्रश्न को सरल करेंगे तो 5/6 उत्तर हमें मिला। देखिए इसी प्रकार इसमें लगभग 10 प्रश्न हैं, 9 प्रश्न हैं 10, तो ऐसे ही गुणा के प्रश्न हैं, बेहद आसान हैं, तो इन प्रश्नों को आप हल कर लेंगे। इसी प्रकार ये सारे प्रश्न हल हो जाएंगे तो दूसरे सवाल को हम देखते हैं। हालांकि दूसरे प्रश्न में भी गुणा का ही प्रश्न है, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न हैं, लेकिन एकाध सवाल हम देख लेते हैं उस प्रश्न का भी। तो प्रश्न संख्या 2, तो देखिए दूसरे प्रश्न में भी कह रहा है सरल कीजिए। दूसरा प्रश्न है सरल कीजिए, और सरल क्या करना है, इसमें पहला सवाल दे रखा है 3/20 और गुणते 4/5। हमने बताया कि वही प्रश्न इसमें भी हैं, और एक सवाल आप देख लीजिए बाकी गुणा के ही प्रश्न हैं। वैसे गुणा तो पूरी प्रश्नावली में ही है इसमें, और लेकिन आप देख लीजिए बेहद ही आसान है प्रश्न। तो हमने इसमें बताया था आपको कि अंश का अंश में गुणा होगा और हर का हर में, तो आप ऐसे कर लीजिए 3/4 और 20/5। अब यदि कोई संख्या किसी से कटती है तो आप सरल कर लीजिए, 4 से देखिए 20 कट रहा है तो 4 × 5 = 20। अब देखो कोई कटने वाली संख्या नहीं है तो ऊपर क्या बचा आपके पास, केवल 3 और नीचे 5/5, तो 3/25 यही आपका आंसर हो गया। तो एक और इसमें देख लीजिए, हालांकि ये आप प्रश्न कर लेंगे, तो इसमें दिया है -7/30 × 5/14। तो जब इसे हल करेंगे तो यह भी बिल्कुल उसी प्रकार है, -7/5 और 30/14। अब देखिए 5 से 30 कट रहा है क्या, 5 × 30, और इस 7 से 14 कटेगा, हाँ कटेगा, 7 × 2 = 14। अब देखिए ऊपर क्या बचा है, -1, क्योंकि 7 × 1 = 7 ऐसा ये कटा है, आपको समझना होगा माइनस चिन्ह बचा है, तो -1/ और नीचे क्या है 6 × 2 = 12, तो यही आपका उत्तर हो गया। तो दूसरे सवाल में भी ऐसे ही प्रश्न दिए हैं, अब आप बहुत ही आसानी से इस गुणा को कर लेंगे। तो तीसरे प्रश्न को हम देखते हैं, और उस प्रश्न में भी गुणा ही है, लेकिन एक दो सवाल हम देख लेते हैं इस प्रश्न के। तो तीसरा प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न भी गुणा का ही है, बेहद आसान प्रश्न है। तो देखिए 3 में प्रश्न कह रहा है गुणा कीजिए, स्पष्ट कहा है कि गुणा कीजिए। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 4/15 गुणे 9/5 और गुणे 50/3। तो देखिए उसमें दो दो संख्याएं थी, इसमें 3 हो गया, अंतर इतना ही है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ कर लेते हैं 4 × 9 और गुणे 50/15 × 5 × 3। अब आप सरल कर लीजिए इसको, सरल अगर होता है तो देखिए 3 से 9 कटेगा, 3 × 3 = 9, उसके बाद 5 से 50 कटेगा, 5 × 50। तो अभी इसमें देखिए 15 और 10 ये कट रहे हैं, 5 × 3 = 15 और 5 × 2 = 10, और इस 3 से ये 3 भी कैंसिल हो रहा है, तो देखिए बचा क्या है इसमें, तो यहाँ 4 हमको दिख रहा है, यहाँ पर 2 दिख रहा है, 4/2 और नीचे तो कुछ भी नहीं बचा है, तो 4/2 = 8 आपका यही उत्तर हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं करना है, अंश का अंश में गुणा कर लीजिए, हर का हर में गुणा कर लीजिए, वही आपका उत्तर है। लेकिन यदि सरल हो रही है संख्या तो सरल कर लीजिए,
उसे काट करके छोटा कर दीजिए। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आपका 8 हो गया। एक सवाल इसका और देख लेते हैं। तो तीसरे सवाल का सेकंड पार्ट है, 3/4 अगुड़े -7/12 अगुड़े -16/21 अगुड़े -1/2। इस प्रकार से यह प्रश्न है। अब देखिए, जब इसे हल करेंगे, अगर आपको गुणा भाग अच्छे से आ रहा है तो यह प्रश्न कुछ भी नहीं है, केवल गुणा भाग आपको आना चाहिए बस। तो देखिए, हम करते हैं 3 -7 -16 -1/4 -12 -21 2। अब एक चीज़ आप देखिए इसमें कि माइनस कितनी बार है, 3 बार। माइनस अंश में 1, 2, 3 बार है। तो आप ये उत्तर जानिए कि आपका उत्तर जो होगा वो ऋणात्मक ही होगा, क्योंकि माइनस माइनस से गुणा होगा तो प्लस हुआ, लेकिन प्लस का जब पुनः तीसरे माइनस में गुणा हुआ तो फिर वह माइनस ही हो गया। तो अब सरल कर लीजिए इसको, उत्तर आपका बहरहाल ऋणात्मक आएगा। तो यहाँ हम क्या करते हैं, 4 चौक 16, यह कट गया 4 से, और देखिए 4 3 12 यह कट गया, और इस 3 से यह 3 कैंसिल हो गया। अब देखिए 7 से 7 3 21 यह भी कट गया। अब देखिए ऊपर बचा क्या है, अब ऊपर हमको दिख रहा है केवल 1 दिख रहा है, केवल 1 दिख रहा है। तो वह 1 कैसा होगा, -1 होगा, क्योंकि चिन्ह तो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया कि जब 3 माइनस हैं तो अंततः उत्तर आपका ऋणात्मक ही आएगा। और नीचे क्या बचा है आप देख लीजिए, नीचे हमको 3 और 2 दिख रहे हैं, मैंने 3 × 2 तो बराबर 6, -1/6 आपके इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो देखिए ऐसे ही इसमें और भी हैं, 5 प्रश्न कुल हैं। तो इसका तीसरा पार्ट हम देख लेते हैं, एक सवाल और इसमें देख लेते हैं। देखिए वह भी गुणा का ही प्रश्न है, तो चाहे जितने माने गुणा में डिजिट हो जाएं, आप ये ध्यान रखना है कि अंश का अंश में गुणा और हर का हर में। तो इसका तीसरा पार्ट देखिए, -3/2 गुणते 4/5 कोष्ठक बंद प्लस 9/5 गुणे -10/3 फिर कोष्ठक बंद -1/2 गुणते 3/4। इस प्रकार से आपका यह प्रश्न है। अब देखिए इस प्रश्न को पहले आप इसे गुणा कर लीजिए, फिर इसे गुणा कर लीजिए, फिर इसे गुणा कर लीजिए, सारे कोष्ठक को हल कर लीजिए, फिर जोड़ या घटाने की क्रिया करेंगे। तो पहले इसका गुणा कर लीजिए। तो यहाँ हम कर देते हैं -3/4 / 2/5, यहाँ प्लस आप लगा लीजिए, 9 -10/5/3 माइनस यहाँ पर 1/3 / 2/4। इस प्रकार से आप कर लीजिए। अब इसको हल कर लीजिए आप। तो देखिए -12 हो गया, या 2 से काट लीजिए, 2 × 2 = 4। अब देखिए और कुछ कटेगा नहीं, तो ऊपर बचा -6/5 एक कोष्ठक में, और इधर प्लस लगा लीजिए, यहाँ क्या बचा, 3 × 9 ये हो जाएगा, और 5 × 2 = 10। तो -6 ऊपर बचेगा, -6 केवल बचेगा इसमें, और नीचे कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ माइनस, इससे जो कोष्ठक को हल करेंगे तो 3/8। अब बस हर बराबर करके इसे सरल कर लीजिए। तो अब देखिए इसे -6/1 आप समझिए। अभी दोनों का जब लासा लेंगे 40 हो जाएगा, तो आप यहाँ 40 लिख लीजिए, और 5 = 48 और 8 × 6 = 48। -48 यहाँ लिख लीजिए, प्लस का चिन्ह है प्लस का लगा लीजिए, और यहाँ पर 40 का 6 से गुणा कर दीजिए, तो माइनस यहाँ पर माइनस का चिन्ह हो जाएगा, क्योंकि कोष्ठक है प्लस माइनस का माइनस, और यह 240 हो जाएगा, -240। फिर यहाँ माइनस का चिन्ह लगा लीजिए, और 8 से 40 भाग देंगे, 5 5 3 15। बस इसी को हल कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा।
तो सारी ये संख्याएं जितनी भी हैं सब ऋणात्मक हैं, सब जुड़ेंगी, तो अंततः उत्तर ये माइनस में ही होगा। तो 5 व 13 के 3 और 1 2 और 4 2 6 और 4 10 के 0 और हासिल 1, तो 2 1 3 और बटे 40। तो इसी प्रकार आपका यही उत्तर आएगा इस प्रश्न में। तो आज हम लोगों ने मैंने गुणा के ही सारे प्रश्न थे, लेकिन 3 प्रश्न तक हल किए, 8 प्रश्न हैं इस प्रश्नावली में, और अगले वीडियो में हम सारे प्रश्नों को हल कर लेंगे कल। तब तक आप लोग अभ्यास करिए इसी प्रकार से।